वड़कम काशी, यह BHU का MP थिएटर का मैदान, जो ये काशी तमिल संगमम का जो ये प्रोग्राम है, ये बहुत ही बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। हाँ, इस BHU कैंपस का MP थिएटर मैदान का, यहाँ तमिल और काशी की परंपराओं में बहुत काफ़ी समानता है, कला को लेकर के, संस्कृति को लेकर के और खान पान को लेकर के। तो ये जो कार्यक्रम है काशी तमिल संगमम का, ये 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक इस MP थिएटर के मैदान में आयोजित है। इधर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में आकर के अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स हैं, बुक स्टॉल्स हैं, कला की बहुत सारे स्टॉल्स हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर साइंस से कुछ बहुत सारी स्टॉल्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के स्टॉल्स हैं, बुक स्टॉल्स हैं, जो तमिल और काशी दोनों, हिंदी इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में यहाँ ढेर सारी स्टॉल्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जिन भी ऑर्गेनाइजेशन से हम अगर बिलोंग करते हों, तो इस वड़कम काशी, जो काशी तमिल संगमम का जो ये चीज़ें यहाँ पे आयोजित हो रही है, इसका भरपूर लाभ इस कार्यक्रम में आकर के ले सकते हैं। ये पूरा दिन ये इस खुला रहता है, शाम को बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित होते हैं, और हम फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इस स्थान को, इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के MP थिएटर मैदान, जो लंका मुख्य सिंह द्वार से सीधे आप आएंगे, लॉ कॉलेज से होते हुए सीधे आप इस MP थिएटर के मैदान पे पहुंच सकते हैं, और आकर के ढेर सारी अपने देश की जो विरासत है, संस्कृति, कला और आध्यात्म और विज्ञान का, जो एक अद्वितीय संगम है इस देश की, इस हिंदुस्तान की जो एक परंपरा रही है, उसका हम बहुत सारे पहलुओं से हम ज्ञान इसका प्राप्त कर सकते हैं, और इसे हम बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए स्टॉल्स हैं, ढेर सारे स्टॉल्स जो हस्तशिल्प हैं और हथकरघा है, जो बनारस की, अगर काशी की भी देखा जाए और तमिल की भी देखा जाए, तो लगभग दोनों ही लगभग एक समान रूप में ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और तमिलनाडु के जो व्यंजन हैं, जो काशी के व्यंजन हैं, इन व्यंजनों का भी हम लाभ, देखिए ये सामने स्टॉल्स दिखाई दे रहे हैं, तमिलनाडु व्यंजन और यहाँ काशी के जो व्यंजन हैं, एक जिला एक उत्पाद के कंसेप्ट पे, और इस पूरे हिंदुस्तान के कल्चरल एक्टिविटी को समेटे हुए ये कार्यक्रम एक महीने के लिए पूरा आयोजित है। इसमें आप अपनी फैमिली, अपने दोस्त मित्रों के साथ, रिलेटिव के साथ इस कार्यक्रम में आकर के, इस कार्यक्रम को देख करके बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अपने देश की संस्कृति और परंपराओं के बारे में हम अपने को सहेज सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।